हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। असर्शन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसीज को, अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो होती हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, जैसे नेचुरल मेथड हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उसका नेचुरल मेथड हो गया। नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटेनेंस आ जाता है, विड्रॉल आ जाता है। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं जिसको, और आपके बैरियर मेथड आ जाते हैं, बैरियर्स जिसमें कॉन्डम्स और वॉल्स डायफ्राम ये सब आ जाते हैं। और फिर आपके आईयूडीज आते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जिनको कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स इंसर्ट करते हैं यूट्रस में थ्रू वजाइना। फिर आपके पिल्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन मिलता है, हार्मोनल कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स मिलते हैं। इमरजेंसी मेथड भी होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव आर मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये करेक्ट है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अभी बात की है बैरियर्स को भी यूज किया जा सकता है, बैरियर मेथड। ठीक है, आईयूडीज भी यूज किए जा सकते हैं, पिल्स भी यूज किए जा सकते हैं, जिन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है स्मॉल डोजेस का, अब वो स्मॉल डोज किसका होता है उसमें, आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन, इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल पिल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पिल्स होती हैं हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ये इनकरेक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, अजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। Both assertion reason are the true, reason is a correct explanation of assertion, incorrect है। Both assertion reason are the true but reason is not a correct explanation of assertion, ये भी incorrect हो जाता है। Assertion is true, reason is false, option C is correct here, assertion is false, reason is true, ये incorrect हो जाता है। इसके regarding information new NCERT class 12 page number 45 पर given है। Thank you.